मेडिकल कॉलेज घोटाले पर छापेमारी की है। लखनऊ में 6 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। हाईकोर्ट के मौजूदा जज के घर पर भी छापा मारा गया है। हाईकोर्ट जज के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। एक पूर्व जज के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा। 6 प्राइवेट लोगों के यहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई और इसी मामले में दिल्ली एनसीआर में भी छापा मारा गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर सीबीआई ने की है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक पूर्व जज के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। हाईकोर्ट जज के घर पर सीबीआई ने छापा मारा और हाईकोर्ट के मौजूदा जज के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर सीबीआई ने की है। बिल्कुल, देखिए, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके घर पे छापा मारा है सीबीआई ने जी। और ये मेडिकल घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इससे पहले उस जस्टिस एक बार गिरफ्तार भी किए गए थे। हाँ। और इसमें कई प्राइवेट लोग शामिल हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी जी। एक इसमें एक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं और एक और हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, अधिकारी हैं, कई सारे लोग इसमें शामिल हैं जी। तो लखनऊ में कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, हजरतगंज और आसपास के इलाके में जी। और ये मेडिकल घोटाला आज नहीं, कई साल पुराना है। हाँ। और कई करोड़ की इसमें हेरा फेरी की गई थी और इसको लेकर सीबीआई तक जांच के आदेश हुए थे, जिसमें सब लोग लपेटे में आए हैं जी। जी, तो वीरेंद्र जी, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई, आपको क्या लगता है कि इस छापेमारी कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, चूंकि सीबीआई इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है, इससे पहले पूर्व जज को गिरफ्तार कर चुकी है एक बार जी। और एक आईएएस अधिकारी है, उनके यहाँ भी छापा मार रही है, वो रिटायर्ड अधिकारी है। हाँ। और ये मेडिकल उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था सीपीएमटी में, एमबीबीएस के नाम पर, भर्ती के नाम पर, उसमें इन लोगों की संलिप्तता थी। हाँ। जिसमें कई सौ करोड़ रुपए वसूलने की बात सामने आई थी। हाँ। तो जज साहब पहले भी एक बार जेल जा चुके हैं इसी केस में और ये कार्रवाई अपने अंतिम दौर में है। तो ऐसा लगता है कि अब सीबीआई चारों आरोप पत्र दाखिल करके इन सब के खिलाफ इनको जेल भेजकर ट्रायल पर जाएगा ये मुकदमा जी। जी, त्रिवेंद्र जी, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जगह जगह पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, आपको क्या लगता है छापेमारी कार्रवाई करने के बाद क्या कुछ नए नाम भी इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी। कि अभी तक तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस और एक जस्टिस का नाम आ रहा था हाईकोर्ट के जी, और एक रिटायर्ड आईएएस का जी, लेकिन 6 और जगहों पर प्राइवेट लोगों के यहाँ जो छापा चल रहा है जी, ये बताता है कि इस मेडिकल घोटाले में बहुत सारे लोग शामिल रहे हैं। हाँ। जिन पर सीबीआई ने अब हाथ डाला है जी। तो हालांकि उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि मामला खत्म, ये पिछले कई सालों से मामला चल रहा है जी। 2 साल पहले जज को गिरफ्तार किया गया था, बाद में वो जमानत पर छूटे थे जी। तो अब फिर से छापेमारी की कार्रवाई स्टार्ट हुई है, जिसका मतलब है कि सीबीआई अब इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है। हाँ। और बहुत जल्दी सारे आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इनको जेल में डाला जाएगा जी। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सीबीआई ने की है, जबरदस्त छापेमारी कार्रवाई लगातार की जा रही है। मेडिकल कॉलेज घोटाले पर छापेमारी करती हुई नजर आई, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये छापेमारी कार्रवाई की गई है उसके बाद क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे जगह हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कार्रवाई में छूट गए हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो प्रतिभाएं थी, जो पढ़ लिख कर डॉक्टरी पेशे में आना चाहते थे सरकारी सेवा में, सीपीएमटी का ये बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें अफसर और नौकरशाह और जुडिशरी के अधिकारियों ने मिलकर ये गड़बड़ी की। अब सीबीआई ने इसमें कई बार लोगों को गिरफ्तार किया है, कई सारे तथ्य जुटाए हैं जी। आज कुछ नए जगहों पर छापेमारी हो रही है जिसका हम नाम के बजाय ये बता रहे हैं कि एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके यहाँ छापा चल रहा है, एक हाई कोर्ट के और रिटायर्ड जज हैं, एक रिटायर्ड आईएएस हैं। इसके अलावा 6 ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट लोग हैं जो जिनके माध्यम से सीपीएमटी में भर्ती के लिए पैसों की लेन देन की गई थी और ये सारे लोगों को सीबीआई रडार पर रखे हुए थे। ये करीब 5-7 साल से मामला चल रहा है और इसमें पूर्व जज को गिरफ्तार भी किया जा चुका है जी। तो कुल मिलाकर ये है। हाँ। ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का मेडिकल घोटाला था जिसमें हजारों प्रतिभाओं जी। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, हाईकोर्ट जज के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी।